हेलो। यस सर। ओके ठीक है, फिर से मैं शेयर करता हूँ। ओनली 9% यहाँ पे, 8% ठीक है, मैं अटेंडेंस भी 80% का लगाऊंगा। ओके ठीक है, टेंशन मत लो सभी लोग, मैं 80% का अटेंडेंस लगाऊंगा जो लास्ट में यहाँ बचा हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था, प्रॉप कैंटिलीवर और कैंटिलीवर बीम पे है ना। तो यहाँ पर मैंने देखो एक स्पेशल केस भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, व्हेन लोड्स आर अकरिंग इन द गिवन स्ट्रक्चर और बीम्स और फ्रेम्स, देन अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम शैल बी कंसीडर्ड। क्या बोलना चाह रहा है ये। हेलो हेलो, यस सर। हाँ ये क्या बोलना चाह रहा है, व्हेन लोड्स आर अकरिंग इन द गिवन स्ट्रक्चर बीम और फ्रेम देन अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ऑफ कैंटिलीवर इक्विलिब्रियम शैल बी कंसीडर्ड। जितने भी रिएक्शंस या सपोर्ट लग रहे हैं वहां पे, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। मीन्स उतने ही इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारी उसमें होनी चाहिए है ना। ठीक है यस सर। हाँ ठीक है, देख लो। अगर जैसे मान लो कि अभी तो मैंने एक क्या लगाया था, पहले एक एग्जांपल लिया था, तो उसमें मैंने एक फिक्स्ड बीम में एक ज्वाइंट लगा दिया था। ठीक है, एक ज्वाइंट लगा दिया था। बट अगर हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, एक नीचे में सपोर्ट प्रोवाइड कर दिए, एक रोलर सपोर्ट प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, एक रोलर सपोर्ट प्रोवाइड कर दिए हैं, तो यहाँ पे क्या करेगा, रोलर सपोर्ट प्रोवाइड कर दिए और ऊपर से हमने लोड्स प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे लोड प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, लोड प्रोवाइड कर दिया, तो क्या होगा अभी यहाँ पे, हेलो हेलो, बेंडिंग मोमेंट कम होगा सर। बेंडिंग मोमेंट कम होगा और रिएक्शंस भी कम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकाल लिए, तो हमको मालूम है आर ई माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो आर ई यहाँ कितना आ गया, 5। अगर इसको काउंट करोगे तो यहाँ पे कितना लगता है रिएक्शन, दो रिएक्शन लगती है, यहाँ पे दो रिएक्शन लगी। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्यों नहीं लग रही है, हेलो, हॉरिजॉन्टल इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर एक अपवर्ड डायरेक्शन से लोड दे दिया है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन के लोड को अपोज करने के लिए हमारा एक सॉरी ऊपर से हमारा लोड जो दिए हैं उसको अपोज करने के लिए एक नीचे से रिएक्शन लगेगा। ठीक है, और उसमें मोमेंट भी क्रिएट होगा बीम में, बट हमारा हॉरिजॉन्टल में कोई भी अभी यहाँ पर रिएक्शन नहीं लग रहा है। अगर हम लोड कोई इंट्रोड्यूस कर दिए हैं तो वहां पर हॉरिजेंटल रिएक्शन नहीं लगेगा, इतना याद रखना हमेशा। ठीक है, देखो ऊपर स्पेशल लोड लिखा भी है, व्हेन लोड्स आर अकरिंग इन द गिवन स्ट्रक्चर बीम और फ्रेम देन अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम शैल बी कंसीडर्ड। मीन्स अभी हम लोड जब इंट्रोड्यूस कर दिए हैं तो केवल लोड्स के अकॉर्डिंग ही हमारे रिएक्शंस लगेंगे। ये बात समझ में आई, यस हेलो, ये बात समझ यस में आ सर, रही है सबको। मींस लोड्स के अकॉर्डिंग ही हमारे जितने सब रिएक्शंस हैं वो लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने रिएक्शंस हैं हमारे, 5। मींस 2 यहाँ, 2 यहाँ और एक 1 यहाँ पे लग रहा है, रोलर पे लग रहा है। ठीक है, तो 5 माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। कौन कौन सी, एक एक्स आर वाई के लिए लगेगा और एक एम के लिए लगेगा, मोमेंट के लिए लगेगा।
ठीक है, दो लगेंगे तो माइनस टू, तो यहाँ पे एक्सटर्नल आ गया। ठीक है, उसके बाद हम इंटरनल देखते हैं। इंटरनली क्या है, थ्री सी माइनस आर आर। थ्री सी क्या थी, यहाँ क्लोज लूप, इसमें कोई क्लोज लूप बन रहा है, नहीं बन रहा है, मीन्स जीरो, मीन्स कोई भी यहाँ पर रिएक्शन रिलीज हो रहा है, नहीं रिलीज हो रहा, क्योंकि कोई यहाँ पर ज्वाइंट हमने नहीं दिया, तो यहाँ पे जीरो हो गया। मीन्स टोटल अभी कितना आ गया हमारा स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, डीएस इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री प्लस जीरो बराबर थ्री, हमारा थ्री हो गया। ये क्या हो गया, स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, मीन्स कितने डिग्री से, थ्री डिग्री से स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है। ठीक है, ये बीम क्या है, थ्री डिग्री से स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट हो गई। और अगर मैं कोई ज्वाइंट्स इंट्रोड्यूस करा दूं, यहाँ पे एक ज्वाइंट्स मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वो अगर इसको काउंट करते हैं तो यहाँ पर डीएस हमारा टोटल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी निगेटिव में आ गया, तो निगेटिव में आएगा तो हम क्या बोले थे पहले, हेलो, अनस्टेबल हो जाएगा सर, अनस्टेबल हो जाएगा वो स्ट्रक्चर, क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, व्हेन डिग्री ऑफ सॉरी व्हेन स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी इज निगेटिव, दैट मीन्स गिवन स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल। ठीक है, वो अनस्टेबल हो जाएगा, वो तो रुकेगा ही नहीं। कैसे नहीं रुकेगा, मे भी हो सकता है कि ये जो यहाँ पर लगा दिए ज्वाइंट्स लगा दिए, तो ड्यू टू ज्वाइंट्स ये स्ट्रक्चर हो सकता है कि इस टाइम में झुक जाए इधर को, इस टाइम में, क्योंकि यहाँ पर रोलर लगा हुआ है। आ रहा है समझ में, मैं फिगर बना के बताऊं क्या, हेलो, यस सर, हाँ ठीक है, देखो मैं फिगर बना के बताता हूँ। ये मैं फिगर बना के बताता हूँ, ठीक है। सपोज मान लो कि यहाँ पर एक, ये तुम्हारा फ्रेम बना हुआ था, ठीक है, और ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये तुम्हारा यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक फिक्स लगा हुआ है, और ये हमने एक यहाँ पर ज्वाइंट लगाया हुआ, ठीक है, और यहाँ पर एक रोलर सपोर्ट दिया है हमने, ये रोलर सपोर्ट दिया है। अगर ये यहाँ पे ज्वाइंट लगा हुआ तो ये स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, ये स्ट्रक्चर में भी ऐसे हो सकता है, अभी ये स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसे जा सकता है कि नहीं जा सकता है, अगर ये खींच जाएगा तो ऐसे कुछ जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो रोलर लगा हुआ है, मूवमेंट अलाउ करेगा, मूवमेंट अलाउ करेगा, ठीक है, मैं यही बताना चाह रहा था, ठीक है, मैं इसी को शो करना चाह रहा था कि मींस यहाँ पर मूवमेंट लगेगा, ठीक है, मींस ये फेल हो जाएगा स्ट्रक्चर, ये स्टेबल नहीं रहेगा, है ना, अभी समझ में आ गया, यस सर, ठीक है, यस सर, तो फिर मैं जाता हूँ उसी पे अपना ये, ठीक है, तो ये मूवमेंट हमारा शो करेगा, इसलिए ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो गया। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, अभी तक मैं जो पीछे पढ़ रहा था वो किस में पढ़ रहा था, जो भी स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी हम निकाल रहे थे किस में निकाल रहे थे, कोई किस टाइप के स्ट्रक्चर में निकाल रहे थे, हम रिजिड स्ट्रक्चर में निकाल रहे थे, ठीक है, रिजिड स्ट्रक्चर मीन्स हम बीम या फ्रेम में निकाल रहे थे, है ना, बीम या फ्रेम में निकाल रहे थे, अभी यहाँ पे हम किस में निकालेंगे, स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ट्रस में निकालेंगे, ठीक है, ट्रस और फ्रेम में क्या डिफरेंस है, हेलो, 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 ट्रस होता है सर कि जो क्लोज ज्वाइंट दे प्रोवाइड करता है, फ्रेम क्लोज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है सर, हाँ, जो ट्रस है हमारा वो क्लोज हो सकता है नहीं भी हो सकता है ना, हेलो धारनी,
हेलो हेलो यस सर। हाँ क्या बोल रहे, धारणी क्या बोल रही थी? सर वो तो चली गई। चली गई, लीव कर दी। देखो ये बोल रही थी वहां क्लोज लूप बन सकता है या नहीं भी बन सकता है, बट वो भी हो सकता है। और यहाँ पर एक डिफरेंस और है, हम लोग पहले ही जानते हैं जब भी कोई फ्रेम बनता है तो फ्रेम किस चीज का बना सकते हैं, हम बीम का भी फ्रेम बना सकते हैं, ठीक है? तो बीम होता है फ्रेम, फ्रेम जो होता है वो बीम से भी बन सकता है। मीन्स बीम पे कंटिन्यूस तुम्हारा लोड लग सकता है, जैसे यूडीएल लग सकता है। बट जो हमारा ट्रस होता है, ट्रस मेंबर पे लोड नहीं लगता है। लोड कहाँ पे लगता है ट्रस में? जॉइंट्स पे, जॉइंट्स पे लगता है हमेशा। यही एक डिफरेंस याद रखना, ठीक है? एक डिफरेंस यही होता है फ्रेम और ट्रस में। फ्रेम में क्या होता है, जो लोड होता है वो मेंबर पे लगता है, और जो ट्रस में जो लोड होता है वो जॉइंट्स पे लगता है, मेंबर पे नहीं लगता है। मेंबर पे क्या होता है, टेंसाइल फोर्स या कंप्रेशन फोर्स लगता है केवल, ठीक है? मींस एलोंगेशन होता है या कॉन्ट्रेक्शन होता है, ठीक है? हेलो यस सर। यस सर, इतना समझ में आ गया? फिर इसमें आगे बढ़े कि अभी छोड़ दें आज ही, इतना तक क्या चाहते हो अमित? यस सर। सर आपका आवाज कट कट के आ रहा है। हाँ बाबू कट के तो आ रहा है, मेरा नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है। धारणी आ गई तो धारणी ठीक है। अच्छा मैं क्या करता हूँ कि आज क्लास को यहीं तक रखता हूँ, है ना? और मैं अटेंडेंस तुम लोग का बना दूं क्या? यस सर। अच्छा यस सर, बना दीजिए सर। यस सर, यहाँ पे 12% है, मैं 12% का ही कंसीडर करूंगा अटेंडेंस। तो मैं अटेंडेंस तुम लोग का क्रिएट कर दे रहा हूँ। अच्छा ये मीटिंग कितना देर से चल रहा है, कुछ याद है? 2:20 2:20 नहीं नहीं, अभी ये थर्ड मीटिंग कितना देर हो गया? 3:41 से चल रहा है, ठीक है? अच्छा ओके, तो मैं अटेंडेंस तुम्हारा क्रिएट कर देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा नोट्स मैं बना रहा हूँ तुम लोगों के लिए, नोट्स मैं LMS पे डाल दूंगा, तो वहां से तुम लोग देख लेना, बट नोट्स अभी नहीं दूंगा, जब ये कंप्लीट कर दूंगा तब नोट्स दूंगा। इसलिए तुम लोग क्लास करते रहो, क्योंकि नोट्स से नहीं समझ पाओगे। ओके सर। नेट बहुत स्लो चल रहा है जी, यहाँ पे ओपन ही नहीं हो रहा है। सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में बना दीजिए। हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्यों भागना है क्या? नहीं सर। दो मिनट रुक जाओ, देख तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, है ना? ट्राई कर लेता हूँ, उसके बाद तुम लोग अपना बनाते रहना। दो मिनट टाइम दो। तब तक तुम लोग क्या करो, इस स्ट्रक्चर को एक बार देख लो ध्यान से, इसमें क्या क्या मैं आगे बताऊंगा। और देखो ये फिगर देख लो, मैं क्या पढ़ाऊंगा इसमें पिन जॉइंटेड में। वॉइस बहुत कट कट के आ रहा है। हाँ हाँ धारणी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? नेटवर्क का देख रहा हूँ, LMS भी ओपन नहीं हो रहा है। LMS में, अच्छा तुम लोग तो LMS ओपन करके देखो, ओपन हो रहा है LMS पोर्टल? नहीं सर, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा सर।
मैं तुम लोग का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ जितने नहीं आ रहा सर। ठीक है ठीक है, मैं जितने लोग हो यहाँ पे सबका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, फिर मैं बाद में बना दूंगा अटेंडेंस। जो नहीं है कुछ नहीं कर सकता मैं उनका। सर कल का मेरा नहीं बना था सर, बना दीजिएगा कल का। कल का तो अभी मेरा LMS भी ओके नहीं हुआ था। ठीक है, तो मैं कल का तुम लोग का बना दूंगा बाद में। ओके, अभी आज सब्जेक्ट इनरोल हो गया है तो मैं सभी लोग का बना दूंगा, आज का बना दूंगा, उसके बाद में कल का तुम लोग का देखता हूँ। ओके मालती कुमारी, ओके मालती कुमारी। यस सर, बारिश हो रहा है इधर। अच्छा बारिश हो रहा है, ठीक है, बट तुम अपना जितने भी फ्रेंड है तुम्हारे उनसे मिल के पढ़ो, ठीक है, ध्यान से। यस सर। हाँ ध्यान से पढ़ो अभी इस सेमेस्टर में। नीतीश लाल। यस सर। हाँ ध्यान से पढ़ो क्योंकि अभी पेपर फिल होने वाला है, इसलिए ध्यान से पढ़ो तुम लोग। ओके थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। तुम लोग लीव कर सकते हो। ओके सर। शॉर्टकट मेथड टू डिटरमाइन स्टैटिक इनडिटरमिनेंस। ओके तो इसमें सभी लोग, हम लोगों ने क्या देखा कि एक्सटर्नली कितना इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है और इंटरनली कितना इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हम लोगों ने इसमें देख लिया। फिर हम लोग उसमें फिर देखते जाएंगे कि टोटल मिला के कितना ये डिटर्मिनेट है स्ट्रक्चर या फिर इनडिटर्मिनेट है, स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। मेन हम उसमें देखते हैं स्टेबल और अनस्टेबल, उसके बाद फिर मैकेनिज्म देखते हैं कि कौन सा मैकेनिज्म है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें पिन जॉइंटेड के लिए, मीन्स ट्रस के लिए पढ़ेंगे कि हाँ किस मेंबर पे कितना फोर्स आ रहा है और किस मेंबर पे कितना फोर्स, मीन्स कितना उस मेंबर पे हमारे फोर्सेस लग रहे हैं और उसमें कितने इक्विलिब्रियम इक्वेशंस चाहिए 2D डायग्राम में और 3D में। ठीक है, 2D में कितना लगेंगी और 3D में कितना लगेंगी, ये हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। ओके थैंक यू।